अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और रिएक्शन वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि अक्सर ये वाला टॉपिक ना मतलब हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी चढ़ा रहता है, तो देखते रहते हैं। 12 इंडियन मुस्लिम वी ऑल प्राउड ऑफ पार्ट वन वन है। पार्ट वन है इसका। तो मतलब ऐसे कोई 12 मुस्लिम लोग हैं जिन पे आप लोगों को प्राउड होगा इंडियन होने पे, मतलब हाँ उनके इंडियन होने पे आपको प्राउड होगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं। है तो लेट्स गो, वीडियो को देखते हैं। आप वो 12 बंदे कौन है, कौन है, मतलब और वो भी मुस्लिम है जो कि इंडिया से है और जिन पे प्राउड वीडियो थे। मजे की हाँ, होने वाली है कुछ। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। और आप लोग जैसे कि एक भाई ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की, आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ओ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और साथ में जो है ना अपना लिंक भी भेज सकते हैं, वहाँ पे हम लोग उस हाँ, पर भी रिएक्शन करेंगे। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत ये की तो राजनीति अपने चरम पर है। कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी मोबाइल जिंक के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारा जा रहा है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की नसीहत भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हाँ, हमें कभी यकीन कभी नहीं ऐसी आता कि लड़ाइयाँ हमारा सुनने में देश आती हैं न्यूज़ भारत में भी, किसी एक धर्म के राष्ट्र न्यूज़ में नहीं है। कभी देखी। इस लेकिन बड़े देश को इंडिया इस बनाने चीज़ में पे सभी बना धर्मों नहीं के था लोगों ने ना। अपना योगदान दिया है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज़ादी की बाद से आज तक भारत में हुआ विकास कार्य। इस वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट कुछ में भी ऐसे ही बहुत मुस्लिम सारे लोगों शख्सियतों के का बारे हाथ में है। बताने जा रहा हूँ जो अगर हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद ही हमें सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक आदि स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती जो आज हमें मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल एंपायर कौन आपका कौन लोग स्वागत है। होंगे पता नहीं मेरे को तो नहीं मुझे। पता। सानिया मिर्जा नजर आई है, वो तो दूसरा टेनिस खेलती है, उसका मुझे याद है। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नंबर वन आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम का। अब्दुल एपीजे कलाम। अब्दुल कलाम, हाँ, मैंने सुना हुआ मिसाइल है मैन केमिस्ट्री की एपीजे बुक में। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर मिसाइल मैन 1931 को रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनलाबुदीन था जो एक नाविक हुआ करते थे। बेसिक अलादीन, शिक्षा हासिल जैनुल करने के आब्दीन हम बाद लोग बोलते हैं, कलाम ने वो थोड़ा 1957 जेड को में चे करते हैं मद्रास ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और मद्रास उस 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। यानी DRD को ज्वाइन किया। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत अपने लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम हुआ। लेकिन वाओ कलाम यहाँ वाओ नहीं रुके। यार, इसरो से मिली सफलता के बाद उन्होंने 1980 के दशक में DRDO के साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू किया और 1983 मतलब में जो पृथ्वी इंडिया को जैसी मिसाइल का लॉन्चिंग निर्माण व्हीकल्स कर मिली हैं भारत को वो सामरिक रूप इनकी से एक वजह से यार, मजबूत ये इंडिया बहुत दिया। बड़े प्राउड की डॉक्टर बात एपीजे है। अब्दुल कलाम का हाँ ही वो जज्बा था जिसकी बदौलत आज हम अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने के साथ खुद के दम पर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की और सैटेलाइट लॉन्च पाकिस्तान के करने में पास अभी सक्षम तक हैं। ये नहीं एपीजे है अब्दुल अपना कलाम लॉन्च व्हीकल। 25 जुलाई 2002 से यार ये तो 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। इनके लिए बहुत अच्छा दोस्तों, आप प्रेसिडेंट भी सोचिए रहे हैं। कि अगर कलाम जैसे शख्स का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ वाह होता वाह तो क्या हम यार, सामरिक रूप से इतने मजबूत होते? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दूसरे बहुत नंबर अच्छी पर बात जिस की शख्स है। के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें भारत में शौर्य और बलिदान के प्रतीक माना जाता है। हर कोई उनकी वीरता को नमन करता है। वो शख्स है भारत माता के वीर पुत्र अब्दुल हामिद। भारत अब्दुल माता इस वीर हामिद। सपूत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 इंडियन आर्मी को में थे। भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन में भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम वाह, करते हुए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। पर शहीद होने से वाह, पहले अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 5 पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया। और ये उनकी इस वीरता के तो लिए भारत सेना वो ने भी उन्हें जीप अपने से, सर्वोच्च जीप मेडल से। परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम तो अब्दुल हामिद की वीरता को ताउम्र सल्यूट करते रहेंगे, पर यार करने आपकी की इस पर बात क्या है, राय बहुत है प्राउड की हमें बात जरूर है। बताएं। नंबर 3, मोहम्मद हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला का जन्म तुम 1905 में भी कोई उत्तर प्रदेश हिदायत के लो वाराणसी आज में हुआ कर लो था। इसे। हिदायतुल्ला पहले ऐसे मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहा। इसके अलावा वो एक बड़े कवि, शिक्षावादी और कानून के ज्ञाता थे। नंबर 4 यूसुफ हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। अच्छा, सिप्ला जिसने वो बनाई थी सबसे पहले। हाँ हाँ, 100 देशों में अपने 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। हामिद सिप्ला के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। उनके नेतृत्व में ही सिप्ला ने एड्स की दवाई इन्होंने बनाई थी और सबसे सस्ती दवाई बनाई। हामिद एड्स के लिए मुझे याद है द्वारा 2005 में चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 5 सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। देश को कई मेडल दिलाने के बाद भी जब सानिया मिर्जा 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो कुछ लोग इसे देश का अपमान समझ लगे, लेकिन शादी के बाद भी सानिया ने भारत के लिए खेलना जारी रखा। नंबर 6 जाकिर हुसैन। एक तबला वादक के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं। उनकी इस कला ने उन्हें अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। वे अपने तबला लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में नहीं, कुछ म्यूजिक है जो इसके साथ हमें भी अच्छा लगता है। 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोमेंट द्वारा कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी कलाकार और संगीतकार को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरह उन्होंने दुनिया भर में भारत को कला के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही नाम बनाया है। आजम प्रेम जी का जन्म मुंबई के एक नाजिर इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज आजम हाशिम प्रेम जी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। आजम प्रेम जी ने भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए करीब $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। जयपुर में हुआ था। कमाल एक्टिंग है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स मिले, लेकिन अभी तो बस। इरफान कई बार स्ट्रगल भी बहुत, कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 2011 में फिल्मों में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। सईद जाहूर कासिम। सईद जाहूर कासिम का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद मेरा एक दोस्त था। डॉक्टर सईद जाहूर कासिम प्रथम गंगोत्री अभियान के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिक अभियान दल के नेता थे। वे 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें मरीन बायोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके से भी पुरस्कृत किया गया। सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 88 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। एमएफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पुंडपुर में एक सुलेमान बोरा परिवार में हुआ था। थमंगबूल फिदा हुसैन पूरा नाम शायद इनको नहीं पता, नाम से भी जाना जाता है। लिखा हुआ था पूरा नाम भी थे भारतीय। अच्छा, मैंने नहीं देखा नाम। एमएफ हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सन 2008 में एमएफ हुसैन सबसे महंगी भारतीय चित्रकार बन गए थे, जब क्रिस्टीज की नीलामी में उनकी एक चित्रकला लगभग 16 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। हालांकि उन्हें कई बार अमेरिकन डॉलर्स के कारण विवादों का भी सामना करना पड़ा था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बड़े प्रशंसक थे और मरने से पहले उनकी कई तस्वीरों को कैनवास पर भी उतार चुके थे। कुछ विवादित हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था और 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कतर के नागरिक के रूप में ली थी। अच्छा, कतर में। ए आर रहमान। ए आर रहमान का जन्म हालांकि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे।
इसी फिल्म के गीत जय हो को सर्वश्रेष्ठ साउंडट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों, क्या इन मुसलमान शख्सियतों के योगदान के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, और समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्हीं महान शख्सियतों को याद कर और उनको नमन करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और अगर यार बहुत मजे की वीडियो बहुत कमाल की थी, और मतलब जिन लोगों का बताया गया, ऐसे मतलब छोटे मोटे लोग नहीं है, सही अच्छा काम करके नाम बनाया, और सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, पूरे मुल्क का नाम बनाया, इंडिया का नाम बनाया, जिसकी वजह से वाकई प्राउड फील। सबसे पहले वो अब्दुल कलाम, मतलब जिन्होंने पूरी एक न्यूक्लियर पावर दी है, ये तो सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पास है ना। नहीं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जो ऊपर मतलब सैटेलाइट को लेके जाने वाली वो टेक्नोलॉजी है, वो नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात है, वो तो बंदा पागल है, पूरी बात समझ ही नहीं। मैं न्यूक्लियर पावर की बात हो रही थी, मैं उससे आगे ले गए थे। हाँ, तो बाकी के भी जितने लोग हैं तकरीबन, मतलब जिन जिन लोगों का वैसे मुझे पता था, इसमें से तीन एक लोग ऐसे थे जिनका मुझे पता था, इरफान खान और सानिया मिर्जा, और वो ए आर रहमान का भी मुझे मतलब नाम वगैरह पता थे। हाँ, बाकी इतनी ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता थी। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और जरूर बताना है कि इसके पार्ट टू पे भी रिएक्शन किया जाए या नहीं, ठीक है? और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने उस पे हमें फॉलो करना है, और साथ में आप लोग लिंक वहाँ पे भेज सकते हैं बस। और हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।